छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। नौकरी के लिए भटकने वाले ये छात्र आग बबूला हैं। इनके गुस्से के आगे पुलिस बेदम है। आंसू गैस का भय दिखाकर पुलिस छात्रों को तीतर बीतर करना चाहती है, लेकिन छात्र भी जिद पर अड़े हैं। सैकड़ों की संख्या में छात्र सासाराम की सड़कों पर उतरे। कुछ ही देर में ये नाराज छात्र रेलवे स्टेशन पहुंच गए। देखते ही देखते सासाराम रेलवे स्टेशन अखाड़ा बन गया। ट्रेन से उतरते ही छात्रों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। नारेबाजी करते ये छात्र जब स्टेशन परिसर में पहुंचे तो इनका पहला टारगेट बना पूछताछ काउंटर। नाराज छात्रों ने वहां जमकर तोड़फोड़ की। पूछताछ काउंटर के अलावा इन्होंने वेटिंग रूम में भी हमला किया। वहां भी देर तक नाराज छात्र तोड़फोड़ करते रहे। अब तक बवाल काफी बढ़ चुका था। छात्र स्टेशन परिसर में कई जगहों पर तोड़फोड़ कर रहे थे। तभी आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ। अरे भाई, इधर दरिया का तो काम चलेगा। लाचार होकर रेलवे स्टेशन के कर्मचारी स्टेशन छोड़कर फरार हुए, लेकिन छात्र तोड़फोड़ पर आमादा थे। आखिरकार सुरक्षा बलों ने सख्ती बरतने का फैसला लिया। उन्होंने एक बार तो उग्र छात्रों को दौड़ाना शुरू किया। इस दौरान आंसू गैस के गोले दाग कर पुलिस ने छात्रों को खदेड़ना चाहा, लेकिन प्रदर्शनकारी डटे रहे। पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया, तब छात्र कुछ देर के लिए पीछे हटे। कई घंटे तक ये बवाल चलता रहा। किसी ने अफवाह फैला दी कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है सरकार द्वारा, तो उसी का विरोध प्रदर्शन के स्वरूप यहाँ पे आए हैं, ताकि ये लोग जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इनका भविष्य नुकसान में ना पड़ जाए। जानकारी के मुताबिक हंगामा कर रहे छात्र रेलवे के निजीकरण पर खबरों को लेकर नाराज थे। इनका आरोप है कि निजीकरण की वजह से उनकी तैयारी पर पानी फिर जाएगा और उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। छात्रों को काबू में करने के लिए खुद एसपी सिविल एसडीओ मौके पर पहुंचे। घंटों के मान मनोवल और हल्के बल प्रयोग के बाद भी छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ।